आज 11 अक्टूबर 2020 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब अन्य लैबों से और एंटीजन टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी तक जो प्राप्त हुई है, इसमें सागर से 27 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा 11 लोग जो जिनका इलाज चल रहा था पूरी तरह स्वस्थ होकर और डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। किसी मृत्यु की आज कोई खबर नहीं है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो पॉजिटिव आए हैं डिटेल आपको बता देता हूँ। पहले जो है 62 वर्षीय पुरुष बरिया घाट, दूसरे 52 वर्षीय महिला एवं तीसरे 31 वर्षीय महिला, चौथे 13 वर्षीय बालिका, पांचवी 8 वर्षीय बालिका, ये सभी बरिया घाट से हैं। इसके अलावा 64 वर्षीय पुरुष मालथोन रोड सागर, इसके अलावा 65 वर्षीय महिला विद्यापुरम सागर मकरोनिया, 25 वर्षीय पुरुष खुरई सहोद्रा राय वार्ड, 60 वर्षीय पुरुष शंकर वार्ड रविशंकर वार्ड, 61 वर्षीय पुरुष उर्व्याउटोरी, 60 वर्षीय महिला संत कबीरदास वार्ड, 48 वर्षीय पुरुष तिलकगंज, 26 वर्षीय पुरुष यादव कॉलोनी, 50 वर्षीय महिला यादव कॉलोनी, 55 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 30 वर्षीय पुरुष सनीचरी, 38 वर्षीय पुरुष 7 वर्षीय बालक एवं 62 वर्षीय महिला सदर सागर। इसके अलावा 59 वर्षीय महिला गोपालगंज, 85 वर्षीय महिला बालक कॉम्प्लेक्स दिल्ली, 58 वर्षीय महिला बालक कॉम्प्लेक्स दिल्ली, 16 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 78 वर्षीय पुरुष मकरूनिया, 57 वर्षीय पुरुष विजय टॉकीज रोड, 52 वर्षीय महिला विजय टॉकीज रोड एवं आखिर में 59 वर्षीय पुरुष देवरी। तो आज का यही अपडेट है। फिर से आपसे अपील करूंगा, सावधानी बनाए रखें। नमस्कार।